जय श्री राम दोस्तों। अभी मैं एक बहुत लंबी यात्रा में जा रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम वहां से जल भरने के लिए। मैं समुद्र से जल भरूंगा, और जिस जिस रास्ते से भगवान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक गए थे, जिस स्थान पर रुके थे, उसी उसी स्थान से मैं रुकते हुए यहाँ पर 22 तारीख को मैं आऊंगा। हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। मुझे जाने में फिलहाल 2.5 दिन लगेंगे। जाने में तो आसान है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वापसी आने में मुझे लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे। अभी मुझे पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, ना मैंने कोई टिकट लिया है। मुझे ये भी नहीं पता मैं पैदल चलने वाला हूँ कि मैं ट्रेन चलने वाला हूँ कि बस से चलने वाला हूँ। तो कुछ एरिया ऐसे, जैसे मतलब दंडकारण्य हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, कुछ ऐसी जगह एरिया है जहाँ पर जाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है और मुश्किल है। फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ, आज है 31 दिसंबर, और मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, यहाँ से जाऊंगा प्रयागराज। प्रयागराज से ट्रेन पकड़कर मैं जाऊंगा रामेश्वरम। फिलहाल रामेश्वरम तक के लिए ट्रेन नहीं है, मंडपम के लिए है। अभी मैंने टिकट भी नहीं लिया है दोस्तों। मेरे गांव में एक छोटा सा मंदिर है, ये बाग है, यहीं पर हम सब बचपन में क्रिकेट खेलते थे। अभी कुछ दिन पहले ही ये मंदिर बना हुआ है। यहीं पर मैं आकर सुंदरकांड पढ़ रहा था शनिवार के दिन, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि आपको ये काम करना चाहिए। रामेश्वरम से आपको जल भरकर आपको अयोध्या तक आना चाहिए, इसलिए मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। भगवान के आशीर्वाद लेकर यहाँ पर जा रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद से मेरे दिमाग में ये विचार आया। फिलहाल हो सकता है 22 दिन में लगभग मुझे 5000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करनी पड़े, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। 22 दिन की यात्रा है, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। चल परेशानों को दिक्कत फोन मार रावली से निकला था, अभी प्रताप बढ़ा चुका हूँ। इधर मैं अगर उत्तर की दिशा में जाऊँगा तो यहाँ से अयोध्या लगभग 100 किलोमीटर है। इधर मैं दक्षिण की दिशा में जाऊँगा, जो कि रामेश्वरम जा रहा हूँ, हिंद महासागर जहाँ जल भरने के लिए, लगभग 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। फिलहाल प्रतापगढ़, यहाँ पर एक फेमस प्लेस है बेल्हा देवी धाम, यहाँ पर भगवान श्री राम इसी रास्ते से होके गए थे। ये प्रतापगढ़ स्वामी कर्पात्री जी की ये जन्मभूमि है, महात्मा बुद्ध की तपोभूमि है। प्रतापगढ़ का आंवला विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये प्रतापगढ़ जिला, यहाँ के लोग काफ़ी शानदार होते हैं, बोलते हैं कि जिलों में जिला प्रतापगढ़ जिला, जहाँ राजा ही राजा और किला ही किला, यहाँ पर हर इंसान अपने आप में राजा है। चाहे उधर यहाँ पर DMSP आते हैं नौकरी करने के लिए, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर वो DMSP डरते हैं यहाँ के लोगों से। जयधार उधर कुंडा हो, चाहे काला कांकर हो, चाहे विश्वनाथगंज हो, चाहे पट्टी हो, चाहे रानीगंज हो, चाहे इधर सांगीपुर हो, चाहे रामपुर खास हो, चाहे सदर हो, यहाँ के लोग काफ़ी शानदार हैं। भैया प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, ज़्यादा जल्दी पैसा दे भाई, देर हो रही है, ट्रेन पकड़ना है। प्रयागराज जंक्शन आ चुके हैं, पहले ये इलाहाबाद जंक्शन, अब इसको नाम बदल के प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया। लोग यहाँ पर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि प्रयाग जंक्शन अलग है, प्रयागराज जंक्शन। दोस्तों ये प्रयागराज है, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। 2025 में महाकुंभ लगने जा रहा है, जो कि इधर के रास्ते से ही गए थे। यहाँ पर सिंगवेरपुर है और यहाँ पर भरद्वाज का आश्रम है। अभी मैं रामेश्वरम जा रहा था तो ये प्रयागराज स्टेशन के अंदर यहाँ पर देखा, ये इस तरह से मॉडल बना के रख दिया गया है। फिलहाल ये दिखाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रयागराज स्टेशन कुछ इस तरह से होने वाला है। फिलहाल इसका नवीनीकरण अभी फिलहाल हो ही रहा है। अभी लगभग 10 बजे हैं और मैं आ चुका हूँ इटारसी। ये MP का एरिया है, इस साइड यहाँ पर गन्ना बहुत ज़्यादा होता है और चने की दाल अभी दोनों देखने को मिल रही है। क्या है कि उधर जब हम सब निकले तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी, इधर देखो कितनी ज़्यादा धूप है, इधर ठंड बिल्कुल है भी नहीं। अभी बज गए हैं 11, अभी जिसे अपनी तरफ देख रहे हैं उधर अवध साइड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उधर तो धूप ही नहीं निकल रहा है। कल मैं शाम को 10:30 बजे जब निकला तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझे शर्ट जैकेट बहुत सारे कपड़े पहनने पड़े थे। अब यह है कि देखो धूप इतना ज़्यादा निकल गया इस साइड, ये बहुत सारा धूप है इधर। यहाँ पर इधर तो जैसे लग रहा है कि मार्च का मौसम है। ये MP है, थोड़ी दूर इटारसी है। यहाँ पर ये एरिया जो है इधर, ये पूरा गन्ना का एरिया और इधर ये दाल, पूरा अरहर की दाल और चने की दाल इस साइड ज़्यादा हो। जय जय प्रभु श्री राम जी की जय, माता सीता की जय, भगवान लक्ष्मण जी की जय, प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।
मुख में हो राम नाम, धन्यवाद निर्देवाद, श्री राम राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम। ट्रेन में इस तरह रोज गाना गाती हैं क्या? ये क्या पानी है, जल है, क्या लिए हैं ये? पानी है। तो भगवान श्री राम के लिए यहाँ भजन गाती हैं। आप तो जिंदगी के लिए क्या करें, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अयोध्या भी गई है कभी? गई थी ना। भजन गारी मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि राम भक्त ट्रेन में भी मिल रहे हैं। अभी मैं रामेश्वरम जा रहा हूँ जल लाने के लिए हिंद महासागर से, तो दादी जी मिले मुझे राम का भजन गा रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना कैमरे में अपने रिकॉर्ड कर लिया जाए। फिलहाल मैं दादी की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। लीजिए, आप पैसा रख लीजिए। अरे बेटा, अरे आप रखिए, बताइए। लेने दो ना, लेने दो। नहीं नहीं, आप हम खुशी खुशी दे रहे हैं आपको ना। ये तो, ये आपका नाम क्या है दादी जी? अच्छा, इसमें लिखे हो क्या नाम है? ये दुलारी, हाथ में लिखवा लियो अपना नाम। पागल टाइप के दिमाग, कोई लिखने वाला दिखता तो लिखवा लेते हैं। मोबाइल नंबर भी लिखवा लेना था आपको। अरे मोबाइल में नहीं रखती। ये है कि दादी जी का घर नहीं है, ये रात में स्टेशन में ही सोती हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी बड़ा स्टेशन हो गया, बता रहे कि से इटारसी, तो भाई जी इटारसी में ही रहते थे हम। हाँ। पर घर नहीं है तो कौन रहने दे घर? कोई इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। उसका जो इंसान के पास जो है, अगर उसी में इंसान खुश है तो समझ ले इंसान खुशी है। दादी जी के अगर आप देखेंगे तो, अगर अपने आप को देखेंगे तो अपने आप को बहुत अच्छा पाएंगे। फिलहाल माता जी भी बहुत खुश हैं, रात में स्टेशन बिताती हैं, दिन में इस तरह से ट्रेन में यहाँ पर भजन गाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से शिकायत रहता है, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि भगवान आपके साथ न्याय किए हैं या अन्याय किए हैं? छोटो भाई इटारसी आ गया। इटारसी तो पूरा एकदम शीशा लेदर होगा, पूरा यहाँ पर आमलेट अंडा पूरा ही बिक रहा है, जैसा लग रहा है पूरा नॉन वेजिटेरियन। जैसे प्रतापगढ़ का आंवला, प्रयागराज का अमरूद, मलियाबाद का आम, उसी तरह नागपुर का संतरा भी फेमस है। पूरे वर्ल्ड में नागपुर से संतरा बिकने के लिए जाता है। अभी मैं स्टेशन पे रुका था, अभी नागपुर पहुंचा हूँ। 4 घंटे ट्रेन हमारी लेट। अभी जैसे हमारे अब साइड अभी उधर गेहूं की फसल बोई जा रही है, आलू की फसल, दो खेती की जा रही है। इधर तो देख रहे हैं साउथ की तरफ, तो इधर एक तरफ धान काटा जाता है, एक तरफ धान लगाया जाता है, दोनों काम होते हैं यहाँ पर। दोनों फसल जो होता है लगभग साल के 12 महीने इधर धान की खेती की जाती है। देख रहे हैं, देख लो ताड़ के पेड़ चारों तरफ से मिलेंगे आपको, ताड़ ही ताड़। अब कुछ आपको यूकेलिप्टस के भी पेड़ मिल जाएंगे, इधर जंगली बबूल जो होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये नीम का पेड़ कम देखने को मिल रहा है। महुआ अपने यहाँ जैसे मौसम होता है अगस्त सितंबर का, उसी तरह इधर मौसम पूरा दिख रहा है। अपनी तरफ तो देसी हो गया और मुर्रा हो गया, भदावर हो गया, इस तरह के भैंस पाई जाती हैं। अब इधर ये पता नहीं कौन सी प्रजाति की भैंस हैं, इसके देख रहे सींग कितनी बड़ी, बहुत बड़ी। यहाँ जितनी भैंस हैं सबकी बहुत बड़ी बड़ी सींग। अभी भाई मैं पहुँच चुका हूँ चेन्नई। परसों रात में निकला था, पूरी रात चला, उसके बाद कल सारा दिन, फिर सारी रात, उसके बाद आज सारा दिन। अभी बज गए हैं लगभग 2। अभी मुझे यहाँ से लगभग रामेश्वरम मुझे जाने में लगभग रात के 2 बज जाएंगे। फिलहाल मंडप तक के लिए ट्रेन है। फिलहाल चेन्नई का नाम आता है, चेन्नई सुपर किंग सबसे पहले नाम आता है। यहाँ पर मरीना बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और चेन्नई में यहाँ पर मोबाइल ऑटो पार्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। भारत में मोबाइल ऑटो पार्ट्स के लिए चेन्नई फेमस है। और फिलहाल 2014-15 के आसपास एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, शाहरुख खान की। वो मूवी अच्छी रही, बहुत अच्छी मूवी थी, उसको मैंने कई बार देखा था। तो उस मूवी को देखने के बाद मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा, वही रोडे बंद नहीं वही रोडे थे माटे कट पीस पार्सल अर्पण हुए और यन्ना पूरा रासकला, कई तरह के वर्ड उसमें यूज हुए थे। कुछ वर्ड मुझे अभी भी याद है फिलहाल चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के। फिलहाल अभी चेन्नई पहुँचे, अभी मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ फिलहाल, जो कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, अभी फिलहाल मैं उसके लिए जा रहा हूँ रामेश्वरम। वहाँ से जल उठाकर जिस रास्ते से भगवान गए थे उसी रास्ते से मुझे वापस आना है। काफ़ी चैलेंजिंग काम, क्योंकि मैं 2 दिन से लगा हूँ वो स्थान निकालने के लिए कि किस स्थान पर रुके थे। वो मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रहा था कि ट्रेन कम न चल रही है। आज के समय में जैसे नॉर्थ इंडिया में भी चले जाएंगे तो वहाँ पर बॉलीवुड मूवी से ज़्यादा साउथ मूवी देखी जा रही है। जैसे इधर हैदराबाद हो गया, फिल्म सिटी है, इधर विजयवाड़ा हो गया, इधर तमिल हो गया, चाहे तमिल मूवी हो चाहे तेलुगु मूवी हो, बॉलीवुड में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। हम सभी ज़्यादातर इस समय साउथ की मूवी देखते हैं। मैं 2015 में एक मूवी आई थी श्रीमंथुडू, महेश बाबू की मूवी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और बहुत सारी फिल्में हैं जो आप साउथ की देखेंगे तो वो आप उसको देखते रह जाएंगे, पूरा ताड़ ही ताड़ ही देखेगा, ताड़ ही ताड़। ये धान पक गए इधर, अभी आगे देखना धान लगाए भी जा रहे हैं।
आज है 3 तारीख, अब हम पहुंच चुके हैं मंडपम। फिलहाल ये ट्रेन रामेश्वरम तक जाती थी, अभी ये मंडपम ही आकर खड़ी हो गई है। मैं 31 तारीख को रात में 10 बजे चला था, अभी यहाँ पर 3 बज गए हैं। लगभग मैं 53 घंटे इसी ट्रेन में रहा। फिलहाल 5-6 घंटे पहले मैं घर से भी चला था। अभी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रामेश्वरम है, उसके बाद धनुषकोटी मुझे जाना है। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे कहाँ कहाँ पर जाना है, क्या क्या करना है। फिलहाल ना मेरे पास कोई टूर गाइड है, ना मुझे कोई ज़्यादा आइडिया है। डॉक्टर राम अवतार शर्मा, जिन्होंने 48 साल लगातार रामायण के बारे में रिसर्च किया, उन्होंने लगभग 249 स्थान ऐसे चिन्हित किए हैं जहाँ पर भगवान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक गए, तो उन जगहों को चिन्हित किया। उनमें से जो जगह होंगी, उन जगहों को जो मैं पाता आऊँगा, उन्हीं रास्ते से मैं होता हुआ आऊँगा। मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, इसमें बहुत सारे नियम हैं, रूल हैं, गाइडलाइन हैं, जिसे मुझे फॉलो करना है। तो आप सभी लोग कमेंट में जय श्री राम बोल दीजिए। अभी फ़िलहाल मैं सोचता हूँ, यहाँ पर बैठ के अपना एस्टीमेट बनाता हूँ कि आगे मुझे क्या करना है, कहाँ कहाँ पर जाना है। तो आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें और कमेंट में जय श्री राम बोलें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब मैं रामेश्वरम आ चुका हूँ, यहाँ पर ये गवर्नमेंट बस चलती है, गवर्नमेंट बस से मैं आया था। यहाँ पर अगर टैक्सी करते तो मैं मंडपम तक ट्रेन आई थी। मंडपम से यहाँ का टैक्सी वाले कम से कम 500 रुपये मांग रहे थे। हमें पर गवर्नमेंट बस में 1 घंटे वेट किया, उसके बाद आ गई तो फिर 25-25 रुपये का इसका किराया पड़ा। 50 रुपये हम दोनों लोग हम यहाँ पर मंडपम से रामेश्वरम आ गए, जो कि लगभग 18 किलोमीटर दूर है। अब मैंने यहीं पर रूम ले लिया है रामेश्वरम में, ये रूम मुझे 700 रुपये का पड़ा है। अब मैं बैठ के चल रहा हूँ अपना एस्टिमेट बनाने की आगे मुझे क्या